गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, एजुकेट ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज द सेफ्टी एंड सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों तो दोस्तों आपने सुना होगा किधर भी जाते हैं तो हर एक पर्सन हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सेफ्टी देखता है। दोस्तों सेफ्टी यानी कि जो पहले आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे दोस्तों सेफ्टी का मतलब, अभी देखो आप एक फोर व्हीलर में जा रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट लगाए रखना या अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं। दोस्तों आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना, ये भी आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों ये सेफ्टी क्या होती है आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों तो दोस्तों देखते हैं सेफ्टी का डेफिनेशन होता है। दोस्तों इट इज अ कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड्स रिस्क एक्सीडेंट विच कॉज और डैमेजेस एंड लॉस टू मटेरियल और इवन डेथ। यानी कि दोस्तों ये सेफ्टी क्या होती है, एक कंडीशन होती है। दोस्तों तो कैसी कंडीशन होती है, विच गिव्स वो क्या देती है आपको, तो फ्रीडम फ्रॉम किससे फ्रीडम देती है। दोस्तों एक कंडीशन है वो आपको फ्रीडम देती है, तो पर किससे फ्रीडम देती है। दोस्तों तो दोस्तों जो हजार्ड्स रिस्क एक्सीडेंट होते हैं उससे हजार्ड्स जो भी है वो रिस्क होते हैं और एक्सीडेंट होते हैं उससे आपको फ्रीडम देती है। यानी कि आने वाली घटना से दूर रहने, उससे दूर रखने की आपको हिफाजत करती है सेफ्टी। कॉज और डैमेज और लॉस ऑफ मटेरियल, और जो भी उसके कारण जो लॉस होने वाला है, डैमेज होने वाला है आपके मटेरियल का, प्रॉपर्टी का, जीवितहानी होने वाली है, उससे ये सेफ्टी आपको क्या करती है, फ्रीडम देती है, यानी कि बचाती है। दोस्तों इवन डेथ, आपका डेथ होने की टाइम, जो भी मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था दोस्तों कि आप बाइक पे अगर हेलमेट पहने तो आपकी सेफ्टी है, अगर एक्सीडेंट होता है उसी दौरान तो आपका जो भी हेड है वो बच सकता है और उससे आपकी डेथ नहीं हो सकती। यानी कि वो आपको क्या देती है, जो भी हजार्ड रिस्क एक्सीडेंट और होने वाले कॉजेस मटेरियल का है उससे बचाने की कोशिश करती है सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल आपने मैंने बताया था दोस्तों कि अगर आप फोर व्हीलर से ट्रेवल्स कर रहे तो सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है। सेफ्टी बेल्ट नहीं होगा तो अगर आपका बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो आप वहां से सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो सीधा ग्लास से बाहर आ सकते हैं। यानी कि आपके लिए सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अगर बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर देखो आपने देखा होगा क्रिकेटर्स बैटिंग करने जाते हैं तो हैंड ग्लोव पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं, ऊपर हेलमेट पहनते हैं। क्यों दोस्तों, वो सब सेफ्टी के लिए होता है। अभी आपने कोरोना भी देखा होगा, हर टाइम आप मास्क पहनते हो, वो भी एक सेफ्टी के लिए। दोस्तों आप बीच बीच में सैनिटाइजिंग करते हो, वो भी एक सेफ्टी के लिए। दोस्तों तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सेफ्टी के दोस्तों, जो आप निजी जीवन में यूज कर रहे हो। दोस्तों तो सेफ्टी का डेफिनेशन मैंने बताया आपको। दोस्तों इट इज अ कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड रिस्क एक्सीडेंट एंड कॉज ऑफ डैमेजेस एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मटेरियल एंड इवन डेथ। इससे सबसे आपको फ्रीडम देने का काम है सेफ्टी करती है। दोस्तों तो दोस्तों देखते हैं सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों तो सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, दोस्तों फर्स्ट में हम देखेंगे सेफ्टी स्टार्ट होती है यस से। तो यस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सर्च द हजार्ड्स, यस फॉर सर्च द हजार्ड्स। यानी कि आपको जोखिम की खोज, जो भी जोखिम है, हजार से भी जोखिम है उसकी खोज करना, आपका जो भी है उसे खोजना, जो भी जोखिम है हजार जिससे आपको रिस्क पैदा होती है उसको खोजना। उसके बाद में ए फॉर एनालिसिस ऑफ द रिस्क, यानी कि जो भी रिस्क है उसके कारण होने वाले, तो उसको क्या करना, जो भी हजार सर्च किए है उसमें जो रिस्क है उसको कम करना। दोस्तों यानी कि एनालिसिस करना, जो हजार्स मिले हैं आपको तो उसको क्या करना, कम करना। दोस्तों यानी कि आप अगर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अगर कंपनी में किसी काम कर रहे हैं तो उधर अगर पानी नीचे गिरा है, पूरा फर्श वेट हो गया है तो उससे कोई भी फिसल कर गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वो तुरंत अपने उस हजार को देखा तो उसके हाउसकीपिंग से क्लीन अप किया तो उसने एनालिसिस करके उसका जो होने वाला एक्सीडेंट था उससे कम कर दिया। यानी कि आप एनालिसिस कर रहे हैं इसको रिस्क के कम करने का, हजार जैसे आपको सामने देखा तो उसने आपको मिटा दिया और उस रिस्क को कम कर दिया, वो एनालिसिस के थ्रू होता है। उसके बाद में एफ यानी कि फाइंड द कॉज, एफ यानी कि फाइंड द कॉज, यानी कि जो भी हजार से उसका कारण खोजने का। दोस्तों तो उसके ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ। अगर देखो दोस्तों होता है क्या, एक बार अपनी फायर है वो लूज कनेक्शन के दौरान अगर दो वायर लूज है या तो अलग निकल गई है तो उसको क्या होता है, उसके कनेक्शन से दौरान फायर लग जाती है। दोस्तों तो उसका कॉज
क्या होगा फाइंड करने का, अगर देखे तो आपको इग्नोर होना है कि जो इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन राउंड लेते उस टाइम उन्होंने देखा नहीं कि दो वायर लूज कनेक्शन है तो उधर फिट करना चाहिए था, तो करते नहीं दोस्तों। तो ये क्या होता है फाइंड आउट कॉज करने का। उसके बाद में ई फॉर एलिमेंट इलिमिनेट द कॉज, यानी कि ई फॉर इलिमिनेट द कॉज, यानी कि जो भी आपने हजार्स खतरे रिस्क देखा है खोजा है उसको क्या करने का खत्म करने का। दोस्तों मैंने अभी पिछला दो उदाहरण एग्जांपल दिया था, उसमें बताया था कि अगर ऑयल गिरा है, अगर इंडस्ट्रियल कंपनी है उसमें ऑयल गिरा है तो ऑयल पे कोई भी जाने वाली पर्सन से वर्कर से वो स्लिप होकर गिर जाएंगे, उनको एक्सीडेंट हो सकता है, लग सकता है, चोट लग सकती है, इंजर्ड हो सकता है। उस जैसे ही आपको पता चले दिखाई दे कि इधर ये ऑयल पड़ा है तो तुरंत हाउसकीपिंग या सो उसके उसके ऊपर मिट्टी डालो, उधर साइड में जो भी इसका वर्क इन प्रोग्रेस का एक जो भी मिलता है आपको साइनेज वो लगा दो, ऐसे यानी कि उसको खत्म करने की, यानी कि खतरे को खत्म करने की कोशिश करना, यानी कि इलिमिनेट होता है, इलिमिनेट ऑफ द इलिमिनेट ऑफ द कॉज। और नेक्स्ट है टी टी फॉर टेल टू अदर्स, यानी कि आपको अगर कोई सी चीज पता चलती है पहले तो आपको आपके सह जो भी सहयोगी है उनको भी बताना है। यानी कि मानो कैसा होता है दोस्तों, अगर किधर आप रास्ते से जा रहे हो, दो रास्ते है तो पहले देखा अपने रास्तों में कि बहुत बड़ा खड्डा है, उधर से गाड़ी नहीं पास हो रही तो आप रिटर्न आ गए, लेकिन बाजू आपके जो पीछे आने वाले उनको भी बता देगी उधर मत जाइए, रोड खराब है, उधर खड्डा गिरा है, आप दूसरे रूट को जाइए। यानी कि आपको बताना है कि आपने जो जो आपने देखा है हजार्स उसको दूसरों को भी बताना है, उसकी किला करके उनको दूसरा रूट देने के लिए यूज करना है दोस्तों। उसके बाद में यू यू आर सेफ, यू फॉर यू आर सेफ, कि आपको आपकी सेफ्टी सुरक्षा रखना है, यानी कि सेफ रखना है दोस्तों। उसके बाद में ये आपने फुल फॉर्म देखा दोस्तों, सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसी दौरान दूसरा भी एक सिंपल फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एस फॉर स्टे, ए फॉर अलर्ट, एफ फॉर ई फॉर योरी और टी फॉर टास्क यू, यानी कि स्टे अलर्ट फॉर योरी टास्क यू, जब कोई भी काम करते हो तो योरी टास्क के लिए आपको क्या करना है अलर्ट रहना है, फॉर योर आपकी सेफ्टी के लिए, ये उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म देखा, डेफिनेशन देखिए आपने, आप देखते हैं कि क्या होता है सेफ्टी, द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम हजार्ड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ऑफ ह्यूमन एरर रैंडमली हॉट, यानी कि दोस्तों ये जो प्राकृतिक मानवीय त्रुटि है उससे खतरे आने वाले है उससे दूर रहना चाहिए, ये जो भी नेचुरल हजार्ड्स है मानव निर्मित है, यानी कि जो फोर्स ह्यूमन एरर से हो रहे हैं रैंडमली होते हैं, ये त्रुटियों से होने वाले हजार्ड से भी आपको दूर रहना है, यानी कि सेफ्टी रहना है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कौन से फाइव एलिमेंट है वो सेफ्टी के, व्हाट इज द फाइव एलिमेंट ऑफ सेफ्टी, वो कौन से फाइव एलिमेंट है उससे सेफ्टी ये होती है। तो दोस्तों सेफ्टी कल्चर होना चाहिए आपका, जो भी कल्चर है वो सेफ्टी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में एम्प्लॉय ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट ये भी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि बार बार आपको जो भी कंपनी में हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में उसको कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो भी हजार्ड आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसको कंट्रोल लाने में भी सिस्टम इख्तियार करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में फोकस ऑन द कंप्लायंस, जो भी आपकी कंप्लायंस है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस देना चाहिए दोस्तों। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और जो भी आपको हजार्स मिलेंगे वो दोबारा न घटे इसकी आपको पहले ही केयर करनी है, और उसका उसको जो भी हजार्स है उसको क्या करना है इम्पोर्ट्स देना चाहिए दोस्तों। यानी कि हर एक चीज में अगर जो भी हजार्स है रिस्क है उसको कम करने की आपको कंटिन्यूस उसमें इम्प्रूवमेंट दिखानी है दोस्तों। तो दोस्तों हाउ इज सेफ्टी इम्पोर्टेंट, दोस्तों सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है देखेंगे। तो दोस्तों ये सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस नॉट ओनली प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम इंजरी और इलनेस, खाली आपको सेफ रखना या हेल्दी वर्क प्लेस रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो वर्कर को प्रोटेक्ट देना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फ्रॉम इंजरी इलनेस ओनली इंजरी और इलनेस से उस वर्कर को वर्क प्लेस में प्रोटेक्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इफ कैन ऑल्सो लोअर इंजरी एंड इलनेस कॉस्ट, यानी कि जो भी जो सेफ्टी के कारण जो होने वाली कम होने वाली इंजरी और इलनेस है उसके कारण क्या होता है दोस्तों,
अगर कंपनी में आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए वो एरिया सेफ्टी है, जो भी आप इन उसके खतरों के यानी कि हजार्स कम है उसमें, तो इंजरीज नहीं हो सकती, आदमी कम से कम बीमार गिर सकता है, उसके कारण कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों, इफ कैन ऑल्सो लोअर इंजरी एंड इलनेस कॉस्ट। ये अगर इलनेस और इंजरी के कम होने के आपने उसके ऊपर ध्यान दिया तो दोस्तों क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है एब्सेंटिज्म, यानी कि जो एम्प्लॉयर का अगर इंजर हो गया तो एब्सेंट गिर सकता है, और बीमार गिर गया तो भी एब्सेंट गिर सकता है, तो जो एब्सेंटिज्म है एम्प्लॉय आने का तो कम होता है, यानी कि रिड्यूस होता है, वो कंटिन्यूसली अगर इंजर नहीं होगी, बीमार नहीं होगी, हेल्दी रहेंगे तो कंटिन्यूसली काम पे आ सकते हैं। उसके कारण क्या होता है, टर्न ओवर बढ़ता है और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड रेज द एम्प्लॉय मॉडल, यानी कि उसके कारण जो भी आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी है और जो क्वालिटी है वो रेज हो जाती है, एम्प्लॉय की काम करने की जो मोटिविटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए वो सेफ्टी इज गुड फॉर बिजनेस, यानी कि सेफ्टी बिजनेस करने के लिए यानी कि उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका वर्क प्लेस जितना सेफ्टी एंड सेफ्टी रहेगा उतना ही आपके वर्कर सेफ्टी रहेंगे, और जो इंजरी है बार बार होने वाली और इलनेस है बीमार गिरने वाला ये कम हो जाएगा, तो आपका बिजनेस प्रोडक्टिविटी है जो बढ़ जाएगी और क्वालिटी मेंटेन होगा और एम्प्लॉय का मॉडल बढ़ जाएगा, उसके कारण आपका बिजनेस है वो ग्रोथ हो सकता है दोस्तों, यानी कि सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। तो दोस्तों आज हमने देखा है इस सेफ्टी क्या होता है दोस्तों, तो सेफ्टी आपको क्या करती है, इट इज अ कंडीशन बिटवीन, जो भी आपको कंडीशन है वो किससे फ्रीडम दिलाती है दोस्तों, हजार्ड रिस्क एक्सीडेंट और जो होने वाले आपके लॉसेस है उससे, मटेरियल लॉस हो, प्रॉपर्टी लॉस हो, और इवन डेथ तक आपको वहां से सेफ्टी अगर यूज करेंगे आप तो उससे आपको फ्रीडम दिलाती है दोस्तों। दोस्तों हमने देखा कि उसका सेफ्टी का फुल फॉर्म भी देखा, यस फॉर सर्च द हजार्ड्स, ए फॉर अलर्टनेस अलर्टनेस ऑफ द कॉज, एफ फॉर फाइंड द कॉज, टी फॉर टेल, ई फॉर एलिमेंट द कोर्स कॉज, टी फॉर टेल द एवरीवन अदर्स, और यू फॉर सेव यू, यानी कि दोस्तों ये हमने फुल फॉर्म देखा। उसके बाद में हमने देखा कि कौन से फाइव एलिमेंट होते हैं उसके कारण सेफ्टी जरूरी है, और उसके बाद में देखा सेफ्टी के इम्पोर्टेंट कितने इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाले मेरे वीडियो देखना न भूलिए दोस्तों। आपको ऐसे ही हर एक वीडियो में आपको ज्ञान दिया जाएगा अलग अलग सेफ्टी का, सिक्योरिटी के बारे में जो जो भी आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।